हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी पे। हम शंकर आईएएस एनवायरनमेंट सीरीज को कर रहे थे। आज सुबह के सेशन में हम लोगों ने जो 8 बजे स्केड्यूल किया था, क्लास स्टार्ट भी हुई थी, लेकिन कुछ इंटरनेट के इशू की वजह से वो आफ्टर 14 मिनट्स ही वो क्लास जो है वो स्ट्रीम और चल नहीं पाई थी, जिसकी वजह से अब मैं इवनिंग में आप लोगों का जो सुबह का लेक्चर था उसे इवनिंग में मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। तो सुबह के सेशन में हम लोगों ने जो कर लिया था दैट वाज एनिमल डाइवर्सिटी, और लकीली पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया था। एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर हमने बर्ड माइग्रेशन, माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में समझा था, और एक्सटिंक्शन क्या होता है उसके बारे में समझा था। जो चीज़ें इस चैप्टर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है उसको हम लोगों ने जान लिया था। आप लोगों के लिए अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो यूज़ कीजिए रेफरल कोड RANK10। इस रेफरल कोड को यूज़ करके आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही में आपको आरती मैम की पर्सनल गाइडेंस के अंडर तैयारी करने का मौका मिलेगा। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ पर कॉल करके प्लस के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज उन तक पहुंचा सकते हैं। कौन कौन से फायदे आप लोगों को प्लस के मिलेंगे, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स है, 2 ईयर्स का कोर्स, आप लोग एनरोल कीजिए और आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा, इकोनॉमिकली भी, और आपकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी एजुकेशन आप लोग प्राप्त कर सकेंगे। टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, किसी भी मीडियम में आप पढ़ाई कर सकते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हर मीडियम में अवेलेबल है। सबसे अच्छी चीज़ जो आपकी पढ़ाई को और निखारता है, आपकी पता लगता है कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है और पेपर के लिए कितने प्रिपेयर हुए हैं, यानी मॉक टेस्ट अवेलेबल है आप लोगों के लिए। पूरी सीरीज खत्म होने के बाद मॉक टेस्ट है, साथ साथ वीकली मॉक टेस्ट भी है। एक वीक के अंदर जितना सिलेबस हुआ है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वीकली टेस्ट भी है। डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं वहाँ पे, हर 2-3 क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। इन क्लास भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, और फिर भी कुछ रह जाता है तो डाउट क्लियरिंग सेशन में लिख के भी बोल के भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, ऑप्शनल भी साथ में मिलेगा और सीसेट भी साथ में कवर होगा। इन शॉर्ट प्री इंटरव्यू मेंस तीनों लेवल की आप लोगों की एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत आसानी से तैयारी हो सकती है। यूज कीजिए रेफरल कोड RANK10 फॉर 10% डिस्काउंट। अब देखिए, हम लोगों ने बर्ड माइग्रेशन के बारे में देख लिया था, और अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा अधूरा रह गया था, बीच में ही वीडियो रुक गई थी, तो मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज प्लांट डाइवर्सिटी, जो चैप्टर 13 होगा शंकर आईएएस एनवायरनमेंट का अकॉर्डिंग टू 6th एडिशन, जो बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है प्लांट डाइवर्सिटी, उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने ये जाना था कि प्लांट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं हम लोग किस किस तरीके से, हर्ब, श्रब और ट्रीज, और भी अलग क्लासिफिकेशन है, पहले इनको समझते हैं। हर्ब क्या होता है, जिसका जो स्टेम है हमेशा ग्रीन रहेगा। जैसे मैंने सुबह की क्लास में भी आपको एग्जांपल दिया था, मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ, जैसे हम लोगों ने मनी प्लांट की बात की थी, मनी प्लांट आप देखेंगे जो उसका स्टेम होता है वो हमेशा ग्रीन रहता है, आप उसमें वुडी कंटेंट नहीं देखेंगे। मनी प्लांट के स्टेम में वुडी कंटेंट आप नहीं देखेंगे बिल्कुल भी, वो बिल्कुल सॉफ्ट और हमेशा ग्रीन रहता है। हाइट नॉट मोर देन 1 मीटर, मतलब जो हर्ब की हाइट है वो बहुत छोटी होगी। जैसे धनिया देख सकते हैं आप, धनिया का जो कोरिएंडर जिसको कहते हैं, वो एक तरीके का हर्ब है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो हाइट है वो लेस देन 1 मीटर है। देन इसके बाद बात आती है श्रब की। सुबह मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था तुलसी का, तुलसी जो रिलीजियस तौर पर भी घरों में लगाई जाती है, आप वहां पर देखेंगे उसकी जो स्टेम है उसमें बहुत हल्का वुडी नेचर होता है, वो बहुत ज़्यादा ट्री की तरह हार्ड नहीं है लेकिन उसके अंदर सॉफ्ट वुड होता है, और हर्ब के कंपेयर में श्रब की जो हाइट है वो ज़्यादा होती है और उसके अंदर ब्रांचेस बनी होगी। और एक और जो बेसिक फीचर है दोनों में, जो हर्ब की जो ब्रांचेज हैं, हर्ब की ब्रांचेज आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगी लेकिन श्रब की ब्रांचेज जो है बेस से ही स्टार्ट हो जाती है। श्रब की ब्रांचेज आप देख रहे हैं बेस से ही स्टार्ट हो जाती है, तो हर्ब और श्रब में क्या डिफरेंस है हमने देखा। इसके बाद बारी आती है ट्री की। ट्री क्या होता है आपको पता है, बहुत ज़्यादा हाइट होती है, आप हाइट वाइज तीनों को कंपेयर कर सकते हैं। जो वुडी पार्ट है वो सबसे ज़्यादा है, इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें बहुत कम है, और इसमें बहुत थिक और हार्ड वुडी पार्ट होता है, और इसकी जो ब्रांचेज है वो बहुत हाइट के बाद अलग अलग हो रही है, बहुत हाइट के बाद अलग अलग हो रही है जो इसकी ब्रांचेज है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, बेस से ही श्रब की ब्रांचेज जो है वो अलग अलग हो जाती है। तो हर्ब, श्रब और ट्री क्या डिफरेंस है हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद बारी आती है पैरासाइट की। पैरासाइट्स क्या होते हैं, देखो पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये कोई ए स्पीसीज है और ये कोई बी स्पीसीज है। ए स्पीसीज बी के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर न्यूट्रिएंट, फॉर नरिशमेंट। ए स्पीसीज इज डिपेंडेंट ऑन बी स्पीसीज फॉर नरिशमेंट। तो बी को क्या कहेंगे, ये उसका होस्ट स्पीसीज हो जाएगा, मतलब ये होस्ट है। इसके ऊपर ए यानी पैरासाइट कह रहे हैं जिसको, ये पैरासाइट होस्ट स्पीसीज के अंदर ऊपर फीड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो लाइसिस होती हैं, जो जूम होती है सिर में, वो क्या करती है, ह्यूमन बींग के ब्लड को सक कर रही है लेकिन उसको मारेंगे नहीं, मरता नहीं है इंसान, लेकिन उसके ब्लड को सक कर रही है, यानी उसको किसी ना किसी तरीके से हार्म पहुँचा रही है। अपना जो नरिशमेंट है, अपना जो फूड है, वो ह्यूमन बॉडी की बॉडी से ले रहा है, ह्यूमन की बॉडी से ले रहा है ब्लड को सक करके, उसे पैरासाइट कहते हैं।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इमेज में जो ये येलो डेंट्रिल्स आप लोगों को दिख रहे हैं, यानी जो जो ये येलोइश पार्ट दिख रहा है, ये कोई और पैरासाइट है जो इस ग्रीन लीव्स के ऊपर डिपेंडेंट है खुद की नरिशमेंट के लिए. तो पैरासाइट क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स दैट ड्रॉज अ पार्ट ऑफ और होल ऑफ इट्स नरिशमेंट फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. बहुत थोड़ा या कंप्लीटली पूर्ण तरीके से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कोई ऑर्गेनिज्म अगर डिपेंडेंट रहता है उसे पैरासाइट कहते हैं. दो तरीके के पैरासाइट होते हैं, टोटल पैरासाइट मतलब कंप्लीटली ही डिपेंडेंट है, पार्शियल पैरासाइट मतलब कुछ भाग तो दूसरे से नरिशमेंट ले रहे हैं और कुछ भाग सेल्फ नरिश रहते हैं. तो ये पैरासाइट होते हैं. पैरासाइट और प्रीडेटर में क्या फर्क है? प्रीडेटर क्या करेगा? प्रीडेटर के अंदर जो होस्ट स्पीसीज है उसकी डेथ हो जाएगी. ए जो है बी स्पीसीज यानी होस्ट स्पीसीज को खा जाएगा, वो प्रीडेटर है. पैरासाइट क्या करते हैं? खाते नहीं है, सिर्फ उसको हार्म पहुंचा रहे हैं, जैसे ब्लड को सक किए जा रहे हैं. जैसे पैरासाइट आपने देखा होगा जोंक होता है, जोंक चीचड़ कहते हैं जिसको, वो आपकी स्किन पे अगर चिपक जाए तो अब क्या करेगा? आपकी स्किन से ब्लड को सक करता रहेगा लेकिन आपकी डेथ नहीं होगी. ठीक है, तो पैरासाइट क्या होता है ये जाना हमने. इसके बाद बारी आती है एपिफाइट की. एपिफाइट वो है जो प्लांट के ऊपर, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट तो रहते हैं लेकिन नरिशमेंट के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाइट को प्राप्त करने के लिए. जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, ये इमेज देख रहे हो, ये कोई ट्री का स्टेम है. ठीक है, इस स्टेम के ऊपर कोई और ही पौधा जो है वो ग्रो किया हुआ है. ये जो पौधा, ये जो प्लांट इस स्टेम के ऊपर ग्रो किया हुआ है, जो किसी दूसरे प्लांट का स्टेम है उसके ऊपर कोई दूसरा ही प्लांट ग्रो कर रहा है. ये जो प्लांट है जो दूसरे के ऊपर ग्रो किया है, इसको नरिशमेंट नहीं चाहिए इस स्टेम से या इस प्लांट से. इसको क्या चाहिए? इसको लाइट चाहिए. नीचे जब ये धरती के नीचे होते हैं, मतलब जब बेस पे होते हैं, उस वक्त इनके पास लाइट पेनिट्रेशन पहुंचने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से ये लोग क्या होता है, ये लोग इस स्टेम का सहारा ले लेके ये प्लांट्स ऊपर लाइट की पेनिट्रेशन तक पहुंच पाते हैं, खुद लाइट को प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी प्लांट्स होते हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट है टू गेट सम लाइट, टू गेट सम लाइट पेनिट्रेशन, उसको एपिफाइट कहते हैं. देखना इसके फीचर, दे डू नॉट ड्रॉ फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट. फूड नहीं चाहिए इनको, इनको क्या चाहिए? इनको एक्सेस ऑफ लाइट चाहिए, इनको लाइट का एक्सेस चाहिए, इसलिए वो स्टेम के ऊपर डिपेंडेंट है. अब इसके अंदर एपिफाइट्स के पास दो तरह की रूट्स होती है. एक को कहते हैं एरियल रूट्स, जो आप देख रहे हो हवा में लटक रही है. एरियल बिलोंग्स टू एयर, मींस जो हवा में लटक रही है. इसका काम क्या है? सॉयल से या जिससे भी मॉइस्चर को प्राप्त करना. इस एरियल रूट्स का काम होता है मॉइस्चर को गेन करना. और जो एक एक रूट्स आप यहाँ पे देखेंगे जो इस स्टेम के अंदर पेनिट्रेट की हुई है, उसको कहते हैं क्लिंजिंग रूट. ये आप नाम देख रहे होंगे, उसे कहते हैं क्लिंजिंग रूट. क्लिंजिंग रूट का क्या काम होता है? क्लिंजिंग रूट स्टेम से उस प्लांट को कनेक्ट किए रखता है. तो क्लिंजिंग रूट क्लिंज कर देगा, उसको चिपका देगा स्टेम से. और एरियल रूट जो हवा में लटक रहा है, उसका काम क्या है? मॉइस्चर को ड्रॉ करना. ठीक है, एयर से मॉइस्चर को ड्रॉ करना एरियल रूट्स का काम है. आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये एरियल रूट्स का काम है और ये क्लिंजिंग रूट का काम है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे साफ दिखेगा आपको, ये जो रूट्स है ये क्लिंजिंग रूट्स है और ये जो रूट्स है ये एरियल रूट्स है, ये मॉइस्चर को गेन करेंगे. अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज क्लाइंबर. क्लाइंबर का फिर से एक एग्जाम्पल आ जाएगा, मनी प्लांट. मनी प्लांट आपने देखा होगा, या तो कोई रस्सी बांध देते हैं घरों में गमलों के पास, या कोई स्टिक लगा देते हैं, मतलब स्टिक या कोई डंडी या छड़ी लगा देते हैं, जिसके साथ साथ ये इस तरीके से इसके ट्विन, इसके चारों तरफ ट्विन हो जाता है, यानी इसके चारों तरफ लिपट जाता है और इसका सहारा लेके ये ऊपर ग्रो करता रहता है. इसे क्लाइंबर कहते हैं. हर्बेशियस और वुडी प्लांट हो सकते हैं जो क्लाइंब करते हैं ट्री पे और अदर सपोर्ट बाय ट्विनिंग अराउंड देम, बाय होल्डिंग ऑन टू देम बाय टेंड्रिल्स. ये जो है ना, इनका जो आपको स्टेम वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो बारीक सा स्टेम वाला ग्रीन प्लांट दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? टेंड्रिल्स. ये अपने टेंड्रिल्स का यूज करके जो भी सपोर्ट इनको मिलता है उसके चारों तरफ चिपट जाते हैं, लिपट जाते हैं और अपने आप को एयर तक पहुंचा पाते हैं. ठीक है, तो ये क्लाइंबर्स होते हैं. तो पांच तरह के हम लोगों ने प्लांट का क्लासिफिकेशन देखा है. हर्ब क्या है, श्रब क्या है, ट्री क्या है, पैरासाइट क्या है, एपिफाइट क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा क्लाइंबर क्या है. अब हम देखते हैं कि प्लांट के ऊपर कौन कौन से ऐसे एबायोटिक कंपोनेंट हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है. एबायोटिक का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग कंपोनेंट ऐसे कौन कौन से हैं जो प्लांट को इफेक्ट करते हैं. सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ लाइट. देखो, जब लाइट की हाई इंटेंसिटी होती है तो उससे रूट ग्रो करेगा, शूट ग्रो नहीं करेगा. मतलब क्या है कि रूट जड़े तो ग्रो करेंगी लेकिन शूट ग्रो नहीं करता. और साथ में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाता है, स्टेम शॉर्ट रह जाता है और जो थिक है, जो लीव्स हैं वो थिक हो जाती है. ये हाई इंटेंसिटी की वजह है. क्या क्या हो रहा है? एक्सट्रीम इंटेंसिटी की वजह से, यानी लाइट की इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है, इंटेंस लाइट है, तो रूट ग्रोथ बढ़ेगा, यानी ग्रोथ ऑफ रूट होगा लेकिन शूट का ग्रोथ नहीं होगा. जो लीव्स हैं वो थिक हो जाएंगे, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगा, स्टेम शॉर्ट हो जाएगा. लेकिन अगर इंटेंसिटी कम कर दी जाए लाइट की, तो प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा, वो रिटार्डिंग हो जाएगा, यानी उसकी जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी, फ्लावर नहीं उग पाएंगे, फ्रूट्स नहीं ग्रो कर पाएंगे.
अगर इंटेंसिटी बियॉन्ड अ पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम कर दी, उस केस में प्लांट की डेथ भी हो सकती है ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाता है जब लाइट बहुत ही कम इंटेंसिटी की पहुंच रही है प्लांट के पास, और प्लांट की डेथ भी हो सकती है। अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें, आपने देखा होगा इंद्रधनुष यानी रेनबो, सेवन कलर्स है, मेनली सेवन कलर्स है, विबग्योर जिसके नाम से जानते हैं हम। अब इसके अंदर रेड और ब्लू कलर, ये दो मेनली ऐसे कलर होते हैं जो सबसे ज्यादा प्लांट को इफेक्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। ब्लू लाइट में प्लांट ग्रो जो है ब्लू लाइट में बहुत कम होता है, लेकिन रेड लाइट के अंदर एलोंगेशन होता है सेल्स का, यानी रेड लाइट के अंदर सबसे ज्यादा प्लांट जो है वो ग्रो कर पाता है। अगर हम बात करें अल्ट्रा वायलेट या वायलेट लाइट की, यूवी रेज या वायलेट लाइट के अंदर, मतलब जो बैंगनी किरणें पड़ेंगी प्लांट के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा प्लांट को ड्वार्फ बना देती हैं। तो रेड कलर पूरे विजिबल स्पेक्ट्रम में ऐसा होता है जो प्लांट को बहुत अच्छे से लंबा कर देता है, एलोंगेट कर देता है उसके सेल्स को। तो हमने ये कलर या लाइट के बारे में समझा है। उसके बाद हम देखते हैं फ्रॉस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। फ्रॉस्ट समझते हैं आप लोग, स्नो की एक फॉर्म है, कंडेंसेशन की एक फॉर्म है, सॉरी प्रेसिपिटेशन की एक फॉर्म है फ्रॉस्ट। अब देखो क्या हो रहा है, फ्रॉस्ट से क्या होगा, ये यंग प्लांट्स को मार देगा। फ्रॉस्ट यंग प्लांट्स को मार देगा, क्यों मार देता है, जैसे ही फ्रॉस्ट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के अंदर जमा हो जाती है, फ्रॉस्ट जो है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के अंदर जमा हो जाती है, और जिसकी वजह से उनका ट्रांसपिरेशन रुक जाता है, ट्रांसपिरेशन नहीं कर पाते, अपने अंदर से मॉइस्चर को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे ही थोड़ी सी सनलाइट उनको मिलेगी, जैसे अर्ली मॉर्निंग हुआ, थोड़ा सा सन उन फ्रॉस्टेड लीव्स पे या फ्रॉस्टेड यंग प्लांट्स के ऊपर पड़ता है, तो वहाँ पे एकदम से सडन एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जितने भी प्लांट्स हैं उन लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, ये मेन रीज़न है साल सीडलिंग्स, यानी जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जो यंग प्लांट्स होते हैं, उनकी डेथ का ये मेन रीज़न है फ्रॉस्ट वाले एरिया के अंदर। फ्रॉस्ट के जमने से आपने देखा होगा पूरी क्रॉप लॉस हो जाती है। तो यही वजह है, पहले तो उनका ट्रांसपिरेशन रुक गया, वो मॉइस्चर जो है वो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे ही सन का रेडिएशन होता है एकदम से उनका जो ट्रांसपिरेशन है वो एक्सेस में हो जाता है। ठीक है, अब जो सेकंड पॉइंट आप इसका देखेंगे, डेथ ऑफ प्लांट ड्यू टू डैमेज टू सेल, सेल को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, उनके अंदर जो फ्रॉस्ट जमा है, जो लीव्स हैं उनके सेल्स में जो स्पेस है वहाँ पे फ्रॉस्ट जम गया है, और ये फ्रॉस्ट आइस में बदल जाता है। ठीक है, ये आइस क्या कर रहे हैं, उस लीव के अंदर जितना भी पानी है, जितना भी वाटर है, क्योंकि बाहर से तो उनको वाटर मिल नहीं रहा, उनके ऊपर फ्रॉस्ट जम चुका है, आइस जम चुका है, तो लीव के अंदर जितना वाटर है उसको एब्जॉर्ब करता है, लीव जो है अपने सेल्स से इंटरसेल्यूलर एरिया से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से सेल के अंदर क्या हो जाएगा, श्रिंकिंग हो जाएगा और डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाएगी, कॉगुलेशन हो जाएंगे सारे सेल्स और प्लांट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, और जो फॉर्मेशन ऑफ कैंकर हो जाएगा, यानी जो आपने देखे होंगे कुछ लीव्स के ऊपर, कुछ लीव्स बहुत ही ऐसे भूसे भूसे से होते हैं, बिल्कुल भूसी से लगते हैं वो, और इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे कैंकर्स से आए होते हैं, बहुत सारी लेयर्स आई होती हैं, जिसको जो फ्रॉस्ट का कारण होता है, यानी वो प्लांट जो है वो डेड प्लांट है। तो ये फ्रॉस्ट के कारण हमने देखे, फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम देख रहे हैं यंग प्लांट्स को किल कर सकता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, दूसरे में हम देख रहे हैं कि डिहाइड्रेशन हो सकता है प्लांट्स के अंदर, और तीसरे में फॉर्मेशन ऑफ कैंकर। अब हम देखते हैं स्नो का क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट्स पे। स्नो जो है वो देवदार, फिर और स्प्रूस, ये तीन प्लांट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर रहते हैं, और स्नो इन्फ्लुएंस करता है इन तीनों प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन को। स्नो देखो फ्रॉस्ट की तरह काम नहीं करता है, स्नो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। जैसे ही स्नो प्लांट्स के ऊपर जम गया है, अब वो उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है कि अब तुम्हारा टेम्परेचर और ज़्यादा ड्रॉप नहीं होने दूंगा, और एक्सेसिव कोल्ड या फ्रॉस्ट कंडीशन से अब प्लांट्स को बचाता है स्नो। तो स्नो की वजह से क्या हो रहा है, एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट ग्रो कर पाते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, उसकी मैकेनिकल बेंडिंग हो जाएगी स्टेम की, स्टेम जो है वो बेंड कर जाएगा, कोई प्लांट का स्टेम ऐसा है तो वो इस तरीके से बेंड कर जाएगा स्नो की वजह से। ठीक है, तो स्नो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, एज ए ब्लैंकेट काम कर रहा है, लेकिन फ्रॉस्ट उनकी डेथ कर सकती है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट पे, ये देखो, हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ प्लांट ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन। जो प्रोटीन होगा प्लांट के अंदर, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन जो होगा, उसका कोगुलेशन हो जाता है एक्सेस टेम्परेचर के अंदर, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच में बैलेंस होता है। फोटोसिंथेसिस में देखो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जा रहा है और ऑक्सीजन को बाहर एग्जिट किया जा रहा है, लेकिन ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन को सक करके वाटर बाहर निकल रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज की जा रही है। अब ये दोनों प्रोसेस बैलेंस में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस
गड़बड़ा सकता है, लेकिन टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है फोटोसिंथेसिस का और रेस्पिरेशन का, जिसकी वजह से फूड का डिप्लेशन हो जाता है और ग्रेटर फंगल या बैक्टीरियल अटैक होने लग जाते हैं प्लांट पे। क्योंकि देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या बना, फूड बनता है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, उस फूड की बर्निंग होती है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ से प्लांट जो है एनर्जी को गेन करता है। अब दोनों के बीच में बैलेंस ना रहने की वजह से ना तो एक्सेस में फूड मिला उन्हें और ना ही जितना फूड मिला था उसकी अच्छे से बर्निंग हुई यानी एनर्जी मिल सकी, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो डेप्लेट हो जाएंगे और उनके ऊपर बहुत सारे फंगल या बैक्टीरियल अटैक होंगे यानी सेप्रोफिटिक उनके ऊपर ग्रो करने लग जाएंगे और प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो टेम्परेचर का ये इफेक्ट पड़ता है प्लांट पे। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज डाईबैक, ये भी टेम्परेचर की वजह से हो सकता है। डाईबैक क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए कोई लीव है, मैं लीव का एग्जाम्पल देती हूँ, कोई भी लीफ है आपके पास, ये लीफ का ऊपर टिप है और नीचे उसकी रूट्स होंगी। मान लीजिए कोई पूरा प्लांट है, ऊपर उसके लीव्स हैं, लीव्स लगी हुई हैं और ये उसकी टिप है पूरी और नीचे उसके रूट्स हैं। अब क्या होता है, डाईबैक के अंदर ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन होता है, एकदम से पूरा प्लांट नहीं मरेगा। ध्यान से सुनना डाईबैक में क्या हो रहा है, एकदम से पूरा प्लांट जो है वो उसकी डेथ नहीं होगी, रूट से उसकी डेथ टिप से उसकी डेथ होनी शुरू होगी, लेकिन जो ये रूट्स हैं वो सालों साल जिंदा रहेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2019 में ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इन प्लांट की डेथ होने लगी यानी इसके जो टिप हैं वो ख़राब होने लगे, लेकिन जो रूट्स हैं वो अब भी जिंदा है। और 2020 में ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर लिया गया किसी तरीकों से, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ। अब उस परिस्थिति में क्या होगा, क्योंकि रूट्स तो जिंदा थी तो वो जो लीव्स है वो उससे डिटैच हो जाएंगी, लेकिन प्लांट अब भी जिंदा रहेगा। अगर परिस्थितियां कंट्रोल नहीं होती है तो ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन होता रहेगा ये प्लांट और प्लांट की डेथ हो जाएगी। इसे डाईबैक कहते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे पौधे का मरना डाईबैक कहलाता है। तो ये कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स के इफेक्ट थे प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, हम लोग सुबह वाले सेशन को ही कर रहे हैं क्योंकि सुबह नहीं हो सका था, इंटरनेट के कनेक्शन के इशू की वजह से, तो इसे अब कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और इकोनॉमी क्लास के लिए देखिए बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज भी कर रहे थे, मैं देख रही थी वीडियोस के नीचे भी मैसेज है। पहली चीज़ तो इकोनॉमी की क्लासेस ना तो रुकी है ना किसी भी कीमत पे रुकेंगी। हम लोगों ने श्रीराम आईएएस को स्टार्ट किया है, उसे कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, 100% कंप्लीट करेंगे। आज कुछ इंटरनेट का इशू हो गया था जिसकी वजह से उस क्लास को मैंने कल के लिए शिफ्ट कर दिया। कल का मैंने खुद ऑफ रखा था, कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई। आज इंटरनेट का इशू हुआ लेकिन कल बिल्कुल क्लास होगी, स्केड्यूल टाइम 12:30 बजे इकोनॉमी की और एनवायरनमेंट की सुबह 8 बजे। तो ऐसा नहीं है मैं कोई भी सेशन को बीच में छोड़ दूंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और आप लोग इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और बस बने रहिए, सारी तैयारी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, वासिम अहमद पूछ रहे हैं जिस पर डिपेंडेंट होता है उसका नुकसान पहुंचता है क्या, बनाना की हाइट ज़्यादा है आप उसको श्रब कह सकते हैं, बनाना ट्री की ही ना हाइट ज़्यादा होती है, वैसे एक तरह का हर्ब भी कहेंगे क्योंकि उसका जो स्टेम है वो बहुत सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट है उसका स्टेम, यस आप उसको हर्ब की कैटेगरी में ही लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट की तरफ बढ़ते हैं। इंसेक्टिवोरस नाम से ही पता लग रहा है, ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और उनको खा जाते हैं, इंसेक्टिवोरस। These plants are specialized in trapping insects and are popularly known as insectivorous plants. ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं और इन्हीं को ही इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। ये बहुत डिफरेंट होते हैं नॉर्मल प्लांट्स से क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। सभी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपना पेट भर रहे हैं और ये प्लांट्स कैसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खा के, मतलब जिन्हें कहते हैं ना जीव भक्षी पौधे, ये वैसे हैं। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर दो तरीके होते हैं, दो मैकेनिज्म होते हैं। एक तो एक जो प्लांट होते हैं वो एक्टिव होते हैं, कुछ जो होते हैं वो पैसिव होते हैं। किस चीज़ पे इनको एक्टिव पैसिव कहा जाता है कि उनके मेथड ऑफ ट्रैपिंग क्या है। एक्टिव और पैसिव दो तरीके के इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, या आप कह सकते हैं इनका मैकेनिज्म है ट्रैप करने का, किस तरीके का मेथड है उसके बेस पे इसे एक्टिव या पैसिव कहा जाता है। जो एक्टिव होता है, द एक्टिव वंस कैन क्लोज देयर लीफ ट्रैप मूवमेंट इंसेक्ट्स लैंड ऑन देम। एक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जैसे ही उसके ऊपर कोई कीट कोई इंसेक्ट ने लैंड किया, आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे ही इसके ऊपर
किसी इसने आप देख रहे हो ये कोई बी है, हनी बी है, जैसे ही इस पौधे के ऊपर इसने लैंड किया वैसे ही ये एक्टिव हो गई और ये इसने क्या किया, उसे ट्रैप कर लिया, उसे पकड़ लिया। ये क्या है, एक्टिव मैकेनिज्म है इनका, इंसेक्टिवोरस प्लांट का। पैसिव में क्या है, वो एक्टिव नहीं है, उन्होंने अपनी शेप ही कुछ इस तरीके से बनाई होगी, कुछ पिटफॉल बनाया होगा, जैसे ही यहाँ पे कोई इंसेक्ट बैठेगा वो नीचे फिसल जाएगा, नीचे स्ट्राइक डाउन हो जाएगा और यहाँ पे जाके वो ट्रैप हो जाएगा। पैसिव मैकेनिज्म में मूवमेंट नहीं हुई है, पैसिव मैकेनिज्म में मूवमेंट नहीं हुई है, जैसे ही इंसेक्ट ने लैंड किया ऑलरेडी उन्होंने अपनी शेप इस तरीके से बनाई हुई है, कुछ पिटफॉल कुछ गड्ढा सा बनाया हुआ है जो इंसेक्ट्स हैं उसके अंदर फंस जाते हैं। इसकी भी आप इमेज देख सकते हैं, जैसे ये पीचर प्लांट्स देख रहे हैं आप, ये वाला देखना, यहाँ पे आप देखेंगे एक पिटफॉल सा है, जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ बैठता है ये इसके अंदर फंस जाता है। ठीक है, तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मैकेनिज्म है। एक्टिव में क्या हो रहा है, जैसे ही इंसेक्ट ने लैंड किया वो एक्टिव हो गए और उन्होंने उसको ट्रैप कर लिया, जैसे इस इमेज में आप देख रहे हैं। पैसिव में पिटफॉल मैकेनिज्म है, गड्ढा बना रखा है, पीचर लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक घड़ा टाइप का, पीचर जैसे घड़ा टाइप का जार कंटेनर टाइप का कुछ है, जैसे ही इंसेक्ट उस पर बैठा वो उसके अंदर फिसल गया। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऑफन हैव सेवरल अट्रैक्शन, ये दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है, मतलब अट्रैक्ट कर लेते हैं ये इंसेक्ट्स को, जैसे ही इनोसेंट इंसेक्ट्स उनके पास पहुंचते हैं ये उन्हें ट्रैप कर लेते हैं, तो ये इंसेक्टिवोरस का मैकेनिज्म है। तो प्रश्न ये बनता है, ये हंट क्यों करते हैं, क्या ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं क्या? जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं ये देखो बहुत ज़्यादा रेन वॉश्ड न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल में रहते हैं, जैसे वेटलैंड टाइप का एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है, ना वहाँ पे क्रॉप्स पैटर्न अच्छा हो सकता है, ना वहाँ की सॉइल जो है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट वाली है, न्यूट्रिशन नहीं है, बहुत ही एसिडिक सा एरिया है और जहाँ का ड्रेनेज पैटर्न भी अच्छा नहीं है। तो अब ये फोटोसिंथेसिस तो करते ही हैं और प्लांट्स की तरह, लेकिन फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते हैं ड्यू टू दिस इल ड्रेन्ड और न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल की वजह से, एसिटिक एरिया होता है। तो कुछ पार्ट जो है फूड का इन्होंने फोटोसिंथेसिस से ले लिया और कुछ पार्ट यानी सप्लीमेंट्री इफेक्ट किससे ले रहे हैं, ये इंसेक्ट से, इंसेक्ट्स को ट्रैप करके अपने फूड को अपनी एनर्जी को सप्लीमेंट कर लेते हैं। तो जो नॉर्मल प्लांट है वो तो इन कंडीशंस के अंदर रह ही नहीं सकते, रेन वॉश या न्यूट्रिएंट पुअर सोइल या वेट या एसिडिक एरिया, ऐसे एरिया के अंदर नॉर्मल प्लांट्स तो रह ही नहीं सकते, और वो जितने भी नॉर्मल प्लांट्स हैं ऐसे एरिया से दूर हैं और आसानी से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, लेकिन इंसेक्टिवोरस बहुत अलग तरीके के माहौल में रह रहे हैं और फोटोसिंथेसिस के साथ साथ, क्योंकि पेट पूरा नहीं भरा है, फूड थोड़ा पूरा कंप्लीट फूड जो है उनको नहीं मिला है, तो इंसेक्ट से फूड को सप्लीमेंट करते हैं। तो ये मैकेनिज्म होता है इनका पूरा। इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे इंडियन हंटर्स, मतलब इंडिया के कौन कौन से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इनमें से कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो इंसेक्टिवोरस हैं। आप नाम नाम देख लीजिए, जैसे ड्रोसेरा या सनड्रू, ये याद रखने के लिए आप देखिए, ये कुछ सुंदर सुंदर ड्रॉप्स आप लोगों को इसके ऊपर दिख रही है, ये टेंटिकल्स है, जैसे ही कोई इंसेक्ट इनको छूता है ना ये एक्टिव हो जाते हैं, ये एक्टिव टाइप का मैकेनिज्म जो है फॉलो करते हैं। ड्रोसेरा है, ठीक है, एल्ड्रोवेंडा है, ये आप देख रहे हो ये भी इनके टेंटिकल्स हैं जो इनको मैसेज पहुंचाते हैं कि कोई ना कोई इंसेक्ट्स आपके ऊपर पहुंच चुका है। ये नेपेंथिस है, बहुत फेमस है नेपेंथिस, इसको पीचर प्लांट भी कहते हैं। पीचर प्लांट क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ये जार लाइक कंटेनर का जो इनका स्ट्रक्चर होता है ये अपने अंदर पैसिव मैकेनिज्म के थ्रू इंसेक्ट्स को फंसाते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यूट्रिकुलेरिया, जिसको ब्लैडर वॉर्ट्स भी कहते हैं, ये इसके टेंटिकल्स हैं, ये देखिए आपने अपने टेंटिकल्स के बीच में इस इंसेक्ट्स को जो है वो ट्रैप कर लिया, ये भी एक्टिव मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ये है पिंगुइकुलिया बटरवर्ट भी जिसको कहते हैं, ये आप देख रहे हैं इनके अंदर पिट लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे ही इनके अंदर ये इंसेक्ट्स जाएंगे ये अंदर फंस जाते हैं, ये पिंगुइकुला है जो इंडिया के अंदर मिलता है। अब इन इंसेक्टिवोरस ऐसा नहीं है ये सिर्फ इंसेक्ट को खा रहे हैं तो नुकसान ही पहुंचाते हैं, कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी इनके अंदर होती है। ये क्या करते हैं, मिल्क को कोगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इट ब्रूज लीव्स एयर अप्लाइज ऑन ब्लिस्टर्स यूज्ड फॉर डाइंग सिल्क, सिल्क वगैरह के डाई करने में काम आते हैं। नेपंथिस किस लिए काम आ रहा है, जो पीचर प्लांट था वो लोकल मेडिसिन की तरह काम आता है कोलेरा को ठीक करने में, कोलेरा पेशेंट्स के लिए यूजफुल होता है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जैसे स्टोन्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी ट्रबल्स जितनी भी होती है नेपंथिस यानी पीचर प्लांट से सोल्व हो सकती है, और आई ड्रॉप के रूप में भी इसको यूज किया जाता है, आई ड्रॉप के रूप में भी यूज किया जाता है, ये याद रखना मेडिसिनल पर्पस क्या है। यूट्रिकुलेरिया है इज यूजफुल अगेंस्ट कफ एंड फॉर ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स, अगर कहीं घाव हो गए खांसी हो रही है आपको तो यूट्रिकुलेरिया नाम का जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो आपको मदद करेगा आपके घाव को भरने में, और एज अ रेमेडी फॉर यूरिनरी डिजीज, जितनी भी यूरिट्री सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होती है वहाँ पे भी यूट्रिकुलेरिया नाम का इंसेक्टिवोरस प्लांट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो ड्रोसेरा सिल्क वगैरह को डाई करने में काम आ रहा है, नेपंथिस आई ड्रॉप के रूप में कोलेरा को ठीक कर रहा है, यूरिनरी ट्रबल्स को ठीक कर रहा है,
यूट्रिकुलेरिया यूरिनरी डिजीज को ठीक कर रहा है, कफ को ठीक कर रहा है, और वुंड्स के ऊपर ड्रेसिंग की जाती है। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के कुछ फायदे हम लोगों ने देखा और नुकसान क्या है वो भी देखा। अब जो अगली टर्म है दैट इज इन्वेसिव एलियन प्लांट्स। एक और चीज याद रखना गाइज, मैं इन चैप्टर से सिर्फ वो कंटेंट उठा रही हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपको करने की कोई जरूरत है भी नहीं। जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल बुक में दिया हुआ है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस सीरीज के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के साथ लगे रहना पड़ेगा। करंट अफेयर प्लस ये बुक अगर आप लोगों ने कर लेना तो आपको एनवायरनमेंट की चिंता करने की कोई चिंता नहीं है। एनवायरनमेंट की, चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का हो, दोनों ही पेपर यहाँ से कवर हो जाएंगे। दिस सीरीज प्लस करंट अफेयर वो आप लोगों को अपने एंड पे करने होंगे। हम देखते हैं इन्वेसिव एलियन प्लांट्स क्या है। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है अब तक हमने जो पढ़ा है, ठीक है। इंडिया के अंदर कौन कौन से हम लोगों ने देखे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मिलते हैं। नाउ लेट अस मूव टू इन्वेसिव एलियन प्लांट्स कौन से होते हैं। एलियन नाम सुनते ही हमें दिमाग में ये आ जाता है कोई नेटिव नहीं है, मतलब हमारे यहाँ का नहीं है, कोई बाहर से आ रहा है। एलियन वो स्पीसीज होते हैं दैट अकर आउटसाइड देयर नेचुरल रेंज, जो नेचुरल रेंज से कहीं बाहर से आए हैं। एलियन स्पीसीज जो नेटिव प्लांट्स को थ्रेट करते हैं, क्या मतलब है, बाहर से आए हैं, और जो वहाँ के डोमेस्टिक प्लांट्स हैं, मतलब हमारे ही घर में आके हमें ही धमका रहे हैं, एलियन का ये काम है। अगर जब तक वो हमें कुछ नहीं कह रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ एलियन कह रहे हैं, वो एलियन है, उन्होंने हमें हार्म नहीं पहुंचाया। इन केस अगर एलियन प्लांट्स डोमेस्टिक प्लांट्स को हार्म पहुंचाने लगे, उनको उनके साथ कंपटीशन करने लगे फूड पे, तो उन्हें क्या कहेंगे, इनवेसिव एलियन प्लांट्स। मतलब वो एलियन प्लांट्स जो नेटिव प्लांट्स को थ्रेट कर रहे हैं या जो नेटिव एनिमल्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है जिनकी वजह से, उन्हें एलियन इनवेसिव स्पीसीज कहते हैं। जब तक उसने कोई हार्म कोई थ्रेट नहीं दिखाया उसे हम लोगों ने एलियन स्पीसीज कहा है, लेकिन जब उन्होंने हमें हार्म दिखाना शुरू किया, थ्रेट करना शुरू किया, तो उनके साथ शब्द लगा दिया इनवेसिव। वो ग्रुप्स में भी रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, ठीक है। वो कॉम्पिटिटर की तरह आते हैं, प्रीडेटर की तरह आते हैं, मतलब हमें मारने आए हैं, पैथोजन की तरह आ रहे हैं, पैरासाइट की तरह भी आ सकते हैं, और वो हर तरह के नेटिव इकोसिस्टम के अंदर रह सकते हैं, ठीक है। तो इन्वेसिव एलियन प्लांट्स क्या है हम लोगों ने देखा। अब इन्वेजन से क्या होता है, अब आप एक चीज समझिए। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये कोई एरिया है, यहाँ पे 10 स्पीसीज रह रहे थे, ठीक है, 10 स्पीसीज रह रहे थे। बाहर से एक इन्वेजिव एलियन आता है, जैसे वो इसमें ऐड हुआ तो 10+1 टोटल 11 हो गए। मतलब हमारी स्पीसीज रिचनेस क्या थी, नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, वो इंक्रीज हो गई 10 से 11 हो गई। लेकिन जैसे ही इसने एंटर किया, 10 से 11 स्पीसीज रिचनेस बढ़ तो गई, लेकिन समय के साथ क्या होगा, ये स्पीसीज रिचनेस डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इस एक एलियन इन्वेजिव स्पीसीज ने आके क्या किया, इनमें से 8 प्लांट्स को हार्म पहुंचा दिया, 8 प्लांट्स की डेथ कर दिया। तो यहाँ पे जो स्पीसीज रिचनेस है वो डीग्रेड हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। इस वाले स्लाइड में मैंने यही लिखा हुआ है कि इट लीड टू इंक्रीज इन स्पीसीज रिचनेस, क्योंकि कुछ ऐड हो रहा है, लेकिन ये एक्सटिंक्शन का कारण भी बनते हैं, क्योंकि जैसे ही ये आएंगे ये हार्म पहुंचाएंगे हमारे नेटिव स्पीसीज को, और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाएगी, वो प्रिडेशन कर जाएंगे, मतलब एलियन स्पीसीज आके एज अ प्रिडेटर हमारे नेटिव स्पीसीज को खा जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा स्पीसीज रिचनेस पे इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, और क्या इफेक्ट होता है नेटिव स्पीसीज पे या हमारी बायोडाइवर्सिटी पे एलियन स्पीसीज का। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाती है, नेटिव स्पीसीज डिक्लाइन कर जाते हैं, हैबिटेट लॉस हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या है कि पर्टिकुलर जिस एरिया के अंदर बहुत सारे डोमेस्टिक स्पीसीज रह रहे थे, वो जगह रहने लायक छोड़ी ही नहीं उन एलियंस ने, तो पूरा हैबिटेट लॉस हो सकता है। पैथोजन की तरह पूरी क्रॉप्स को रिड्यूस कर सकते हैं, यील्ड को खत्म कर सकते हैं, डिग्रेडेशन कर देते हैं मरीन या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का। तो इतने बुरे प्रभाव हो सकते हैं इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के। कौन कौन से इंडिया में ऐसे मेनली इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो हार्म कर रहे हैं, और वो कहाँ के थे जो इंडिया में आ गए हैं, जैसे निडल बुश अमेरिका से आया है, साउथ अमेरिका से, और पूरे भारत में मिलता है। ब्लैक वेटल साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया से आया है, वेस्टर्न घाट पे मिलता है। गोटवीड अमेरिका से आया है और थ्रू आउट इंडिया मिलता है। प्रिकली पॉपी सेंट्रल और साउथ अमेरिका से आया है, थ्रू आउट इंडिया में मिलता है। आप देखेंगे 4 में से 3 तो अमेरिका से ही आए हैं और 1 साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया से है ब्लैक वेटल।
अब आगे देखो, धतूरा मैड प्लांट या थोन एप्पल जिसको कहते हैं, अमेरिका से आया है, पूरे इंडिया में मिलता है। धतूरा तो देखा भी होगा आपने। वाटर हायसिंथ, बहुत बार पूछा गया वाटर हायसिंथ के बारे में कि क्या ये इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है, कहाँ का है, ये अमेरिका का है और पूरे भारत में मिलता है। ब्लैक मिमोसा नॉर्थ अमेरिका का है, हिमालय और वेस्टर्न घाट में मिलता है। टचमी नोट, बहुत नाम सुना होगा, टचमी नोट छुई मुई का पौधा जिसे कहते हैं, या स्लीपिंग ग्रास ब्राजील से आया है यानी साउथ अमेरिका, और पूरे भारत के अंदर मिलता है। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो इन्वेजिव एलियन फ्लोरा की तरह इंडिया में आए और इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को जो लॉस पहुंचा रहे, कहाँ से आए हमने देखा। अब इसके बाद मेडिसिनल प्लांट्स की बात करते हैं। आपने देखा होगा लॉकडाउन में, अभी रामायण महाभारत खूब चल रही थी, तो वहां भी देखा होगा जैसे ही वन के अंदर जितने भी लोग थे, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो प्लांट से ही मेडिसिन बना रहे हैं, आयुर्वेदा जिसको कहा जाता है। तो ऐसे कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिनसे हमें फायदा होता है, एज ए मेडिसिन उनको, एज ए औषधि उन्हें यूज कर रहे हो। ये नाम नाम लिखे हैं मैंने यहाँ पे, आपको सिर्फ नाम नाम ही याद होने चाहिए। सर्पगंधा जिसको कहते हैं, COVID-19 पे भी जिसका इफेक्ट हो सकता है, अभी प्रूव नहीं है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, सर्पगंधा। फिर है बेडकॉम साइकार्ड पैरिटा जिसको कहते हैं, या कोंडायथा जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ब्लू वेंडा, उसके बाद है कुथ या कुस्था जिसको कहते हैं, उसके बाद रेड वेंडा, साइकार्ड और एलिफेंट्स फूट। ये कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट्स कौन कौन से हैं, इन्वेजिव प्लांट्स कौन कौन से हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट रूट के टाइप्स को हमें समझना है। आपको सिर्फ इमेज से याद हो जाएगा, इमेज से याद हो जाएगा कि किस किस तरीके की रूट्स होती है, ठीक है। तो आप इमेज से अपने दिमाग में बिठाना। टैप रूट, सबसे पहले टैप रूट। देखो टेपरिंग एक वर्ड होता है, दैट इज टेपरिंग। इकोनॉमी के अंदर भी टेपरिंग शब्द यूज होता है, यूएसए इकोनॉमी से रिलेट करते हैं कि किसी चीज की स्टार्टिंग अच्छी हुई थी लेकिन अब उसका इफेक्ट कम किए जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, टेपरिंग इफेक्ट है, टेपर किया जा रहा है। टेपर क्या होता है, फिसलनी कोई जगह, ऐसे स्लोपी एरिया को टेपर कहते हैं। तो टेप रूट का भी यही मतलब होता है। टेप रूट क्या है, प्राइमरी डिसेंडिंग रूट फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट प्रोलोंगेशन। क्या हो रहा है, रूट बनी और जैसे जैसे वो नीचे आ रही है तो उसकी जो विड्थ है वो कम होती जा रही है, यानी टेपर होती जा रही है, इसे टेप रूट कहते हैं। आप इसकी इमेज देखिए, इमेज देखिए टेप रूट की, आप देख रहे हैं इसे, ये इस तरीके से शुरू हुई है, जैसे जैसे एलोंगेट होती जा रही है वैसे वैसे इसकी जो विड्थ है वो नीचे नीचे कम होती जा रही है, ठीक है। इसे क्या कहा है, इस वाले पोर्शन को, इस वाले को टेप रूट कहा है, ठीक है। ये जो आप बाहर बाल देख रहे हैं, इसके हेयर्स देख रहे हैं, इट इज रूट हेयर्स जो एयर से ऑक्सीजन को सक कर लेते हैं सॉइल से। उसके बाद बात करते हैं लेटरल रूट्स की। लेटरल का मतलब क्या होता है, इस तरीके से फैलना, ठीक है। लेटरली फैल रही है कोई चीज, वर्टिकली नहीं, लेटरली फैल रही है, ठीक है। तो अभी टैप रूट्स थी, टैप रूट्स के चारों तरफ अगर इस तरीके से रूट्स फैल रही हैं उसे कहेंगे लेटरल रूट। आप इसकी भी इमेज देखिए, ये इमेज देख रहे हैं आप, ये लेटरल रूट्स है, ये लेटरल रूट्स है, ये देखिए, ठीक है, लेटरल रूट्स। ये बीच में जो आपको रेड वाला भाग दिख रहा है ये टैप रूट है, और लेटरल रूट्स क्या है, जो ये इस तरीके से एलोंगेट हो रही है, जो साइड में फैल रही है, इसे लेटरल कहा है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा नाम है, दैट इज एडवेंटिशियस रूट्स। ये हमने कहाँ देखा था, ये हमने सुंदरबन के उसे वेटलैंड्स के अंदर एडवेंटेशियस रूट्स का एग्जाम्पल देखा था। ये कैसी रूट्स होती हैं, जो स्टेम में से ही अलग अलग रूट्स के भाग निकल आते हैं, जो स्टेम में से ही अलग अलग रूट्स के भाग निकल आते हैं उसे एडवेंटेशियस रूट्स कहा जाता है। ये नीचे नहीं आ रहे, नीचे सॉइल से नहीं निकले हैं, ये स्टेम में से अलग अलग भागों से ये रूट्स जो है, एरियल रूट्स जिन्हें एडवेंटेशियस रूट्स कहते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने देखी जाती है और कॉमन होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं एडवेंटेशियस रूट्स। उसके बाद बात करते हैं बटरेस की। बटरेस क्या करता है, आप देखो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, दे आर आउट ग्रोथ फॉर्म्ड यूजुअली वर्टिकली अबव द लेटरल रूट्स। जितनी भी लेटरल रूट्स हैं उन पर वर्टिकली ग्रो कर रहा है। आप देखिए, ये देखो, ये वर्टिकली है, ये जितना भी भाग दिखता है ना, कुछ लोग यहाँ बैठ के पिक्स विक्स भी खिंचवाते हैं, ये क्या हो रहा है, लेटरल रूट्स। ये जो रूट्स थी, ये जो नीचे वर्टिकल जा रही है, इसे क्या कहा था, टेप रूट्स। अब जो वो फैली है नीचे जाके, उसे क्या कहा, लेटरल रूट्स। अब इन लेटरल रूट्स के, ये लेटरल रूट्स होगी, लेटरल रूट्स के ऊपर जो ये वर्टिकल ग्रो कर रही है, इन्हें क्या कहा है, बटरेस, ठीक है। तो जो ये आप वर्टिकली ग्रो देख रहे हो ना, इन्हें क्या कहा है, बटरेस, इन्हें बटरेस रूट कहते हैं। फिर प्रॉप रूट्स कौन सी होती हैं, ये देखिए, ये इस तरह की जो रूट्स हैं वो प्रॉप रूट्स होती हैं, पानी के अंदर भी होती हैं या सैंड के नीचे भी होती हैं। स्टिल्ट रूट्स या न्यूमेटोफोर्स किसको कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा मार्शी लैंड होती है वहाँ पे न्यूमेटोफोर्स मिलेंगे, जहाँ पे मार्शी लैंड होती है वहाँ पे न्यूमेटोफोर्स मिलेंगे, इन्हें स्टिल्ट रूट्स भी कहते हैं, स्टिल्ट, स्टिल्ट, STILT, स्टिल्ट रूट्स।
मार्शीलैंड के अंदर ये होता है। अब देखो मार्शीलैंड में बहुत ज्यादा वेट कंडीशंस हैं, मतलब पानी जो है एक्सेस भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो सोयल के रूट्स हैं वहां से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जो रूट्स होती हैं, जो रूट हेयर्स होते हैं प्लांट के, वो सोयल से ऑक्सीजन को सक नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, सोयल के ऊपर यानी अबव लैंड के ऊपर आ जाती हैं ये रूट्स, ताकि जो एटमोसफेयर की एयर है उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो इस तरीके की मार्शी लैंड पे न्यूमेटोफोर्स मिलेंगी, स्टिल्ट रूट्स मिलेंगी। ये रूट के टाइप्स हम लोगों ने देखे जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। अब हम अपने चैप्टर 14 की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मरीन ऑर्गेनिज्म। और इसके बाद सिर्फ एक और चैप्टर है जिसमें हमारा ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए आप लोग अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूज़ रेफरल कोड RANK10 फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। और आप लोगों को ये सारे फायदे अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने पर मिलेंगे। किसी भी टीचर की पूरा, जिस भी कोर्स को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, जैसे किसी ने UPSC को सब्सक्राइब किया है तो UPSC से रिलेटेड जितने कोर्स हैं आप एक बार फीस देके देख सकते हैं, किसी भी एजुकेटर की देख सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स वहाँ पे पढ़ा रहे हैं और आप उनसे किसी भी माध्यम में पढ़ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। प्लस के रिगार्डिंग अगर कुछ भी डाउट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पर कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। अगला जो चैप्टर है, चैप्टर 14, दैट इज मरीन ऑर्गेनिज्म। मरीन बोले तो एक्वेटिक, जो पानी से रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, अब उनकी बात हो रही है। सबसे पहले प्लैंकटन्स। प्लैंकटन्स क्या होते हैं, देखो जो सरफेस के ऊपर, एयर वाटर सरफेस के ऊपर जो ग्रो करते हैं, जो एल्गी या जो जू प्लैंकटन्स, एल्गी या जो जू प्लैंकटन्स जो हैं सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं, उन्हें हम प्लैंकटन्स कहते हैं। बहुत छोटे होते हैं ये, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं सरफेस पे, रिवर की सरफेस पे, लेक्स की सरफेस पे, ओशन की सरफेस पे, किसी की भी सरफेस पे जहाँ पे पानी है, फ्लोट कर सकते हैं प्लैंकटन। इसके अंदर एल्गी भी हो सकती है, यानी माइक्रोस्कोपिक प्लांट भी हो सकते हैं जिन्हें नाम दिया एल्गी, और इसमें एनिमल्स भी हो सकते हैं जिन्हें नाम दिया जू प्लैंकटन्स या प्रोटोजोआस। आप देखिए दोनों की पिक्चर देखिए, ये जो छोटे छोटे आप लोगों को दिख रहे हैं ये क्या है, ये जू प्लैंकटन्स है, और यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपको एल्गी दिख रही है। ये जू प्लैंकटन्स इन एल्गी के ऊपर फीड करते हैं। फाइटोप्लैंकटन्स क्या है, ये एल्गी आप लोगों को माइक्रोस्कोप से बड़ी करके दिखाई हुई है, मैक्रोस्कोपिक व्यू आप लोगों को दिखाया हुआ है। एल्गी को नाम दिया फाइटोप्लैंकटन्स, एंड जू प्लैंकटन्स वो छोटे स्पीसीज हैं, वो छोटे एनिमल हैं, लिविंग एनिमल्स हैं, वाटर के एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो इन फाइटोप्लैंकटन्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो जू प्लैंकटन्स और एल्गी दोनों मिलकर ही प्लैंकटन्स बनाते हैं। लोकोमोटरी पावर, इनकी मूव करने की पावर जो है बहुत कम होती है। जैसे ही कहीं पे बहुत तेज धारा यानी प्रवाह, जो पानी का करंट है वो ज्यादा होता है, वहां पे प्लैंकटन्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो फाइटोप्लैंकटन्स है उसको ग्रीक वर्ड फाइटो मीन्स प्लांट और प्लैंकटन्स मीन्स मेड टू वेंडर और ड्रिफ्ट, जो ड्रिफ्ट करने के लिए बने हैं, ऐसे प्लांट्स को फाइटोप्लैंकटन्स कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं। एनवायरमेंट कैसा होता है इनका, एक्वेटिक एनवायरमेंट होता है, सॉल्टी वाटर में भी रहेंगे, फ्रेश वाटर में भी रहेंगे। कुछ फाइटोप्लैंकटन्स जो है बैक्टीरिया के रूप में होते हैं, प्रोटिस्ट के रूप में होते हैं, एल्गी के रूप में होते हैं, सिंगल सेल प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। फाइटोप्लैंकटन्स 60% ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, मोर देन 60% ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑल प्लांट्स। जितने भी प्लांट ऑक्सीजन, मान लीजिए 100 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन सभी प्लांट्स मिलके प्रोड्यूस करते हैं, तो जो फाइटोप्लैंकटन्स है अकेले 160 से ज्यादा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फाइटोप्लैंकटन्स प्रोड्यूस मोर देन 60% ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस फ्रॉम ऑल प्लांट्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट बन सकती है कि फाइटोप्लैंकटन्स प्रोड्यूसेस मोर ऑक्सीजन देन अदर प्लांट्स, तो बिल्कुल सही होगी। लाइक लैंड प्लांट्स, ऑल फाइटोप्लैंकटन्स, फाइटोप्लैंकटन्स में क्लोरोफिल होता है, वो सनलाइट को कैप्चर भी करते हैं क्योंकि सरफेस पे होते हैं, तो क्लोरोफिल प्लस सनलाइट दोनों के प्रेजेंस के अंदर वो केमिकल एनर्जी बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और केमिकल एनर्जी के अंदर यानी ATP वगैरह यानी एनर्जी के अंदर खुद की एनर्जी को स्टोर करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ फाइटोप्लैंकटन्स ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के साथ साथ एडिशनल एनर्जी को भी गेन करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा के। ठीक है, दीज माइक्रो एल्गी आर प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइटेड रीजन। जो भी फोटिक जोन होता है ना, फोटिक जोन क्या बताया था मैंने अपने एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर, अपने चैप्टर 4 के अंदर हमने फोटिक जोन देखा था, वो एरिया जहां तक लाइट पेनिट्रेट कर रही है, तो जहां तक लाइट पेनिट्रेट करेगी वहीं तक ही फोटोसिंथेसिस होगा, जहां तक फोटोसिंथेसिस होगा वहीं तक फाइटोप्लैंकटन्स मिलेंगे। तो फाइटोप्लैंकटन्स कहां तक होंगे,
एक्वाटिक जोन के अंदर होंगे, उनका टोटल बायोमास पूरे लैंड के मास से ज्यादा होता है। क्या कह रहा है ये बात? अगर हम एक तरफ लैंड के प्लांट्स का बायोमास जोड़ दें और एक तरफ अगर हम एक्वाटिक इकोसिस्टम के फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास जोड़ दें, तो हमेशा एक्वाटिक फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू लैंड के प्लांट के बायोमास के। ऑक्सीजन भी ज्यादा रिलीज कर रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन्स और इनका बायोमास भी ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ये की पॉइंट्स हैं फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स को? सबसे पहले लाइट। अभी हमने देखा लाइट क्या कर रही है, जब तक लाइट मिलती रहेगी तब तक फोटोसिंथेसिस होता रहेगा, जब तक लाइट मिलती रहेगी तब तक फोटोसिंथेसिस होता रहेगा और तब तक एल्गी बने रहेंगे। उसके बाद है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, मेजर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय फाइटोप्लैंक्टन्स फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे मदद कर रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन्स की, उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। कुछ ऐसे हैं जो सिलिकेट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करके फिर उसे यूज करते हैं। हमने नाइट्रोजन साइकिल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन को पढ़ा था। दे ऑल्सो रिक्वायर ट्रेस अमाउंट ऑफ आयरन। कुछ ऐसे हैं जिनको आयरन की भी जरूरत होती है। तो न्यूट्रिएंट्स का यूज करके जितने फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है। इसके बाद टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। टेम्परेचर एक्ट अलोंग विद अदर फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग द वेरिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपको पता है जितने भी एक्वाटिक स्पीसीज होते हैं वो टेम्परेचर को बहुत ज्यादा झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पानी की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो बहुत हाई होती है। बहुत कम टॉलरेट कर पाते हैं वो टेम्परेचर के चेंज को। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एकदम से तो फाइटोप्लैंक्टन्स को नुकसान पहुंचता है, लेकिन धीरे धीरे द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। धीरे धीरे अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी बढ़ेगी, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट अगर टेम्परेचर बढ़ता ही गया तो वो डिमिनिश हो जाएंगे, यानी जो फोटोसिंथेसिस है वो खत्म हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स की डेथ हो जाएगी। सैलिनिटी भी इफेक्ट करती है। जितना ज्यादा सलाइन वाटर होता है या जितना कम सलाइन वाटर होता है, लाइट और टेम्परेचर जैसे फैक्टर के साथ मिलकर सैलिनिटी भी इफेक्ट करती है प्लांट्स को, ठीक है। जो अगली चीज है वो कैसे इफेक्ट करती है, ये है ग्रेजिंग ऑफ जू प्लैंक्टन। अगर जू प्लैंक्टन ज्यादा ग्रेज करने लग जाए, मतलब जो जू प्लैंक्टन है बहुत ज्यादा एल्गी को खा जाए, तो इनकी जो स्पीसीज रिचनेस है वो खत्म हो जाएगी, एल्गी खत्म हो जाएंगे, उनका रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो गिर जाएगा। तो ग्रेजिंग बाय जू प्लैंक्टन भी इफेक्ट करता है एल्गीज को, ठीक है। तो हम लोगों ने ये इफेक्टर देखे जो फाइटोप्लैंक्टन को इफेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल इशू, आज सुबह क्लास चलते चलते बंद हो गई थी, इंटरनेट का इशू था, जिसकी वजह से अभी शाम को मैं क्लास ले रही हूँ, कल सुबह मॉर्निंग में ही क्लास होगी, ठीक है। हम लोग फाइटोप्लैंक्टन्स चैप्टर 14 को पढ़ रहे हैं, श्रीराम आईएएस की, शंकर आईएएस की जो बुक है एनवायरनमेंट की। इसके बाद हम देखते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। आपको एक चीज याद रखनी है इसमें, ये सब कुछ आप बाद में पढ़ भी सकते हैं, इसमें सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो हाई लैटिट्यूड्स पे ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू लो लैटिट्यूड्स, यानी ट्रॉपिक या सब ट्रॉपिक पे कंसंट्रेशन कम होगा फाइटोप्लैंक्टन्स का। ये प्री के अंदर स्टेटमेंट बन सकती है। उसके बाद जितना ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मिलेगा उतना कम फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो करेगा, ये भी प्री के अंदर पॉइंट बन सकता है। उसके बाद जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो सिर्फ फोटिक जोन के अंदर ही मिलते हैं, क्योंकि वहीं पे ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है, तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो लिमिटेड है फोटिक जोन से रिलेटेड। इंपॉर्टेंस क्या है फाइटोप्लैंक्टन्स की, इंपॉर्टेंस क्या है फाइटोप्लैंक्टन्स की, फूड वेब के अंदर काम आते हैं, क्योंकि आपको पता है एल्गी को फीड कर रहे हैं जू प्लैंक्टन्स को फीड कर रही है स्मॉल फिश को फीड कर रही है लार्ज फिश को फीड कर रहा है ह्यूमन बींग। इस तरीके से पूरा फूड वेब चल रहा है, पूरा फूड चेन चल रहा है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स फूड वेब को अच्छा बनाती है। कार्बन साइकिल को मैनेज कर रही है, आपको पता है ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो क्लाइमेटिक चेंज को इफेक्ट कर सकते हैं और कार्बन साइकिल को इफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जू प्लैंक्टन्स तो डिपेंडेंट ही फाइटोप्लैंक्टन्स पे हैं। जितने ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे जूप्लैंक्टन्स उनको फीड करने में यानी उनको खाने में सक्षम होंगे, उनका भोजन बना रहेगा जूप्लैंक्टन्स का, ठीक है। तो अबंडेंट जितने ज़्यादा होंगे जूप्लैंक्टन्स उतनी ज़्यादा उनको फाइटोप्लैंक्टन्स की भी ज़रूरत होगी। ये सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, जो जूप्लैंक्टन्स हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, जो प्रोड्यूसर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, ठीक है। तो जूप्लैंक्टन्स को हमने समझा है, दे आर मोर अबेंडेंट मैंग्रोव्स वाटर के अंदर ज्यादा मिलते हैं जू प्लैंक्टन्स।
ठीक है। तो ये हमने इंपॉर्टेंस देखी फाइटोप्लैंक्टन्स की, फूड वेब में, कार्बन साइकिल में, क्लाइमेट चेंज में और जू प्लैंक्टन की दुनिया में फाइटोप्लैंक्टन्स का क्या रोल है। इसके बाद सी ग्रास क्या है, आप देख पा रहे हैं सी ग्रास पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन होता है, आप इनकी रूट्स देख पा रहे हैं, आप इनका स्टेम देख पा रहे हैं, आप इनका ये फ्लावरिंग नेचर देख पा रहे हैं, लीफ देख पा रहे हैं इनका, ठीक है। तो सी ग्रास क्या है, मरीन फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें सारे पार्ट्स अलग अलग हम देख सकते हैं, पूरा रूट सिस्टम देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं पूरा लीफ सिस्टम देख सकते हैं, ठीक है। ये ओनली ग्रुप है हायर प्लांट का जो सॉल्ट वाटर के अंदर भी अडॉप्ट कर पाते हैं खुद को, सॉल्ट वाटर के अंदर भी सी ग्रास जो है वो ग्रो करेंगे। ज़्यादातर इंडिया के अंदर सी ग्रास तमिलनाडु कोस्ट पे मिलते हैं और लक्षद्वीप पे मिलते हैं, अंडमान निकोबार में भी कभी कभी बहुत कम मात्रा में सी ग्रास मिल जाते हैं। हाई सैलिनिटी में रह सकते हैं, क्लैरिटी ऑफ वाटर चाहिए इनको, और सैंडी सबस्ट्रैटम मतलब जहाँ पे मड होगा ना, जहाँ पे कीचड़ होगा, सैंड ज़्यादा होगी, वहाँ पे सी ग्रासेस ज़्यादा होंगे। तो तमिलनाडु कोस्ट पे या लक्षद्वीप कोस्ट पे मिलने की यही वजह है, वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होती है, पानी साफ है और सैंडी सबस्ट्रैटम है। फंक्शन क्या है सी ग्रास के, ये वेव या करंट एनर्जी को रिड्यूस करती हैं, बहुत ज़्यादा अगर वेव्स उठ रही हैं, टाइड्स आ रही हैं, तो जो सी ग्रास है वो उन वेव्स को रोक देती हैं, बहुत अमाउंट में उन्हें उनकी जो तीव्रता है उसको कम कर देते हैं। टू फिल्टर सस्पेंडेड सेडिमेंट, सेडिमेंट्स के लिए फिल्टर का काम कर रही हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ग्रास है, कोई भी पानी अगर आएगा यहाँ पे, कोई मड वाला पानी आएगा तो ये मड को ट्रैप कर लेंगे, यानी फिल्टर का काम करती हैं। स्टेबलाइज बॉटम सेडिमेंट्स, और बॉटम सेडिमेंट्स को यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं, उनको स्टेबल कर देती हैं, ठीक है, और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर रही हैं। इनवर्टिब्रेट्स, जितने भी इनवर्टिब्रेट या फिशेज होती हैं जिनके बैकबोन नहीं होती है, उनके लिए हैबिटेट का भी काम करती है, उनके लिए हैबिटेट का भी काम कर रही है। इनवर्टिब्रेट कौन, जिनके बैकबोन नहीं है। फिश किस में पड़ी थी हमने, वर्टिब्रेट कैटेगरी में पढ़ा था। सी ग्रास बेड आर वाइड स्प्रेड इन लगून, लगून्स के अंदर ज़्यादा मिलता है सी ग्रास जो है, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं यहाँ पे आते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सी ग्रास के फंक्शन के बारे में समझा है। IUCN ने क्या कहा है, IUCN ने ये कहा है कि 58 टोटल स्पीसीज हैं सी ग्रास की, और इस 58 स्पीसीज में टोटल 14 स्पीसीज तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन कोस्ट में मिल जाती हैं। तो इंडियन कोस्ट बहुत ज़्यादा रिच है सी ग्रास की क्वान्टिटी में अगर हम देखें तो, मेनली लक्षद्वीप और कौन सा देखा था, तमिलनाडु का कोस्ट। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, इंटरटाइडल या सब टाइडल रीजन में, ठीक है, जहाँ पे टाइड्स मिलती हैं। ये आप जो एनिमल देख रहे हैं ये डगोंग है, डगोंग क्या करता है, पूरा इसका फीडिंग मैकेनिज्म सी ग्रास पे डिपेंडेंट होता है, तो डगोंग को खाने के लिए सी ग्रास की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये हमने देखा है सी ग्रास के बारे में। अब हम पढ़ते हैं सी वीड्स के बारे में। सी वीड्स क्या है, मैक्रोस्कोपिक एल्गी है, ये आप देख लीजिए, ये एल्गी है मैक्रोस्कोपिक है, मतलब हम अपनी नेकड आई से इनको देख सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक एल्गी है। लेकिन इनका कोई ऐसा अलग भाग नहीं है सी ग्रास की तरह, ना तो इनकी रूट्स अलग दिख रही हैं आपको, ना इनका लीव्स अलग दिख रहा है आपको, ना इनका फ्लावर अलग दिखेगा आपको। ये नॉन डिफ्रेंशिएटेड होती है, नो डिफ्रेंशिएशन होता है इनमें, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, ठीक है। और लीफ की तरह आपको दिखेंगी, आप देख रहे हैं पत्ती की तरह आपको दिखेंगी, लेकिन लीफ है नहीं, ये क्या है, एल्गी है। सीवीड्स जो है वो एल्गी है। सीवीड्स शैलो कोस्टल वाटर के अंदर ज़्यादा ग्रो करती हैं, बहुत डीप वाटर में नहीं करेंगी, शैलो कोस्टल वाटर के अंदर डिपेंड करती हैं। अलग अलग कलर की होती हैं, ब्लू ग्रीन कलर की, ब्राउन कलर की, रेड कलर की, अलग अलग कलर के सीवीड्स का पिगमेंटेशन हो सकता है। फंक्शन क्या है सीवीड्स का, फूड्स होते हैं मरीन ऑर्गेनिज्म, इनके ऊपर फीड करते हैं। फिश के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड का काम करता है, मतलब क्या है, फिश का हैबिटेट है, फिश यहाँ पे अपने प्रोजनी को जन्म दे पाते हैं, अपने एग्स को लेकर पाते हैं। एक सेडिमेंट का सोर्स है, जैसे सी ग्रास सारी मड को ट्रैप कर लेते हैं, इसी तरीके से ये सेडिमेंट को, सोर्स ऑफ सेडिमेंट है, सेडिमेंट्स को ट्रैप कर लेते हैं, डिपॉजिट कर लेते हैं। सीवीड का काम क्या है ये हम लोगों ने देख लिया। इसके यूज़ क्या है, गोइटर ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है, इंटेस्टिनल या स्टमक डिसऑर्डर के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। इससे अगार अगार टाइप का प्रोडक्ट, एल्गिनेट्स, आयोडीन, कमर्शियल वैल्यू, मतलब इससे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जा सकती है सीवीड से। बाय द बायोडिग्रेडेशन ऑफ सीवीड, मिथेन लाइक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट गैसेज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी। मिथेन को प्रोड्यूस किया जा सकता है, आयोडीन को प्रोड्यूस किया जा सकता है, अगार अगार को प्रोड्यूस किया जाता है कमर्शियल लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे, गोइटर ट्रीटमेंट में इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी सीवीड्स के अंदर होती है, इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर एज अ इंडिकेटर भी ये लोग काम कर रहे हैं। जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा कोस्टल इकोसिस्टम के अंदर,
ठीक है, मेटल पोल्यूशन बढ़ने की वजह से ये सी वीड्स क्या करते हैं, उस मेटल को ट्रैप कर लेते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ मेटल भी करते हैं, बाइंड कर लेते हैं उस पॉल्यूटेंट्स को. तो ये सारे फंक्शन और यूजेज हैं सी वीड्स के. हार्मफुल इफेक्ट क्या है सी वीड के, ये रोटिंग जो सीवीड होता है ना, ये अपने अंदर से सल्फर या हाइड्रोजन सल्फाइड के कंटेंट को, जब सीवीड की डेथ हो जाती है, जब वो सड़ जाते हैं, तो अपने अंदर से हाइड्रोजन सल्फाइड को एक्सक्रीट करते रहते हैं, जो हाईली टॉक्सिक गैसेस है और पॉइजन की तरह इंसानों को प्रभावित कर सकती है, पूरे एक्वाटिक इकोसिस्टम को इम्पैक्ट डाल सकती है. ये इसका हार्मफुल इफेक्ट है, इसकी वजह से वॉमिटिंग या डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है. तो सीवीड के बारे में हम लोगों ने समझा है. द नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, जिसको जिसके अंदर हम सारा देखेंगे, क्या होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या होता है नेशनल पार्क, क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व, क्या डिफरेंस है, उन सबको समझेंगे. आज के सेशन में मैं आप लोगों को जल्दी से रिवाइज करा दूं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है. आज के सेशन में हम लोगों ने प्लांट डाइवर्सिटी से शुरू किया था, हम लोगों ने श्रब को पढ़ा, हर्ब को पढ़ा, ट्री को देखा, पैरासाइट, क्लाइंबर, एपिफाइट्स क्या होते हैं ये जाना, उसके बाद कौन कौन से एबायोटिक कॉम्पोनेंट हैं प्लांट को इफेक्ट करते हैं उसको समझा, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्यों होते हैं और क्या होते हैं, इंडिया में कौन कौन से हैं उन्हें जाना, इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसे देखा, उसके बाद इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के बारे में देखा, मेडिसिनल प्लांट्स और रूट के टाइप को देखा विद इमेज, और फिर हमने मरीन ऑर्गेनिजम्स में प्लैंक्टन्स को समझा, फाइटोप्लैंक्टन्स को समझा, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लैंक्टन्स देखे, ग्रेजिंग बाय जू प्लैंक्टन्स कैसे काम करते हैं उन्हें देखा, सी वीड्स और सी ग्रास क्या है, क्या फंक्शन है, क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, उन सबको हम लोगों ने जाना है. कल सुबह 8 बजे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के साथ हम लोग इसी चैनल पे सुबह मॉर्निंग में 8 से 9 अपनी जो डेली क्लासेस होती हैं उसको रेगुलर करेंगे, और इकोनॉमी का सेशन 12:30 बजे कल हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे. प्लीज़ आप लोग जितने भी बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, इन पूरी वीडियो को साथ साथ आप लोग बुक में मार्क करते रहना जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और कल के मॉर्निंग सेशन में हम लोग चैप्टर 15 को शुरू करेंगे, दैट इज प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क. थैंक यू गाइस, कल मिलते हैं सुबह 9 बजे. टेक केयर, बाय बाय.